गुड आफ्टरनून। तो कैपिटल बजटिंग क्लास कंटिन्यूज, हम लोग थर्ड वीडियो लोड कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 किए थे लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में प्रोबेबली। अब क्वेश्चन 9 करेंगे हम लोग। डिस्काउंटिंग टेक्निक स्टार्ट किए थे, 7-8 सॉल्व किए थे, और क्वेश्चन 9 है 2016 ऑनर्स में आया था। क्वेश्चन है, ए कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंस्टॉल ए न्यू मशीन एट ₹50,000। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000। लाइफ ऑफ एसेट्स इज 5 ईयर्स विथ 5,000 स्क्रैप वैल्यू भी है। आफ्टर 5 ईयर्स स्क्रैप वैल्यू आ रहा है कितना? 5,000। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ₹10,000 रिक्वायर्ड इनिशियली एंड विच इज रियलाइजेबल एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो इनिशियल आउटफ्लो हो जाएगा 50,000, तो है मिसिंग कॉस्ट प्लस 10,000 वर्किंग कैपिटल। तो जो आउटफ्लो मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, उसमें 60 हो जाएगा। एंड ये फिर एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट रिकवर होगा, तो इनफ्लो में भी आएगा लास्ट ईयर प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो, ठीक है ना। और प्रोजेक्ट में टैक्स रेट है 30% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट कितना दे दिया? 8%। एस्टिमेट EBDIT फॉर 5 ईयर्स, एस्टिमेटेड अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। इंटरेस्ट देने से भी इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइन किया जा रहा है। तो ईयर्स 5 ईयर्स EBDIT गिवन, तो इससे क्या करना होगा? अब जस्ट डिप्रिसिएशन माइनस करो, टैक्स माइनस करो, और फिर डिप्रिसिएशन को एड बैक करो। ऐसे नहीं कि डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करके टैक्स माइनस करोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर यू टू फाइंड ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, NPV एंड PI, ठीक है। तो टेबल करते, क्या चाहिए हम लोग को? CFAT कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यस, टेबल शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। इनफ्लो आउटफ्लो दोनों ही हैं, इनफ्लो हम लोग फाइंड करेंगे, आउटफ्लो अलग से। ईयर कितना? 5 ईयर्स है, राइट? यस, एक कॉलम हो गया आपका ईयर। सेकेंड आपको क्या दिया गया? EBDIT। इससे आप क्या माइनस करोगे? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन लेस करोगे तो EBT लिखो, आई छोड़ दो ना, अर्निंग बिफोर टैक्स। और फिर अर्निंग बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस करोगे तो अर्निंग सफर टैक्स या पैट। टैक्स रेट कितना? 30%, तो ऑब्वियसली 70% EBT हो जाएगा। फिर डिप्रिसिएशन आप एड बैक करोगे, CFAT हो जाएगा। और CFAT तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड CFAT, राइट। अब प्रेजेंट वैल्यू CFAT लिखो या डिस्काउंटेड CFAT लिखो, एक ही बात है, ओके। नाउ ईयर 1, 2, 3, 4 and 5 ईयर्स। नाउ आपको क्या दिया था? EBDIT फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 22,000, थर्ड ईयर 19,000, फोर्थ ईयर 20,000, फिफ्थ ईयर 24,000, राइट। अब इसमें क्या करना होगा? इसमें आप डिप्रिसिएशन को लिस्ट करोगे, तो नीचे एक नोट करते, नोट 1, डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड कुछ बताया क्या? नहीं बताया ना, लेकिन लाइफ दिए है 5 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया और मशीन कॉस्ट भी है, तो अब स्ट्रेट लाइन छोड़ के और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या करोगे? 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइड बाई लाइफ 5 ईयर्स, कॉस्ट 50,000 माइनस स्क्रैप 5,000 डिवाइड बाई 5, तो 45/5 9,000 डिप्रिसिएशन, 9,000। तो इच एंड एवरी ईयर से डिप्रिसिएशन 9,000 लेस करते जाओगे, 20 माइनस 9
11,000, 22 माइनस 9 13,000, 19 माइनस 9 10,000, 20 माइनस 9 11,000, 24 माइनस 9 15,000, ठीक है। अब इसमें टैक्स माइनस करोगे तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर टैक्स के लिए टैक्स 30%, 70% ऑफ दिस, 70% ऑफ 0.7 इनटू अब फर्स्ट ईयर में 11,000 इज इक्वल टू 7,700, फिर 13,000 इक्वल करोगे 9,100, फिर 10,000 ये 7,000 हो जाएगा, फिर 11,000 इट्स 7,700 और 15,000 तो ये हो गया आपका 10,500, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप ऐड करोगे डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना आया था 9,000, तो 9,000 सब में ऐड करना है, तो 7 प्लस 9 16,700 और 9,100 प्लस 9 18,100, फिर 7 प्लस 9 16,000 और 7,700 तो 16,700 और 10,000 प्लस 9 19,500 CFD प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये आपको इसमें नहीं दिया गया, हम लोग फाइंड करेंगे। क्या रेट दिया था 8%, तो 1/ क्या होता है 1/1 प्लस i 8/100.08 टू दी पावर n 1/1.08, कैलकुलेशन करते 1/1.08 इक्वल फर्स्ट ईयर फैक्टर 0.926 या 0.926, फिर इक्वल कर दोगे नेक्स्ट ईयर फैक्टर आ जाएगा 0.857, फिर इक्वल कर दो नेक्स्ट ईयर फैक्टर आ जाएगा 0.794, अगेन इक्वल कर दोगे नेक्स्ट ईयर फैक्टर 0.735 एंड अगेन इक्वल लास्ट ईयर फैक्टर 0.681, ठीक है। थ्री डेसिमल तक ले रहे और फोर्थ डेसिमल पॉइंट में अगर 5 और अबव है तो उससे ऐड करके हम लोग लिख लिए। अब इससे इनटू करोगे और इसको ऐड कर लोगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFD आएगा, आगे और भी कुछ कैलकुलेशन करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो मल्टीप्लाई करते फर्स्ट ईयर में कितना 16,700 इनटू 15,464.2, हम फ्रैक्शन अवॉइड किए, फिर 18,100 इनटू 0.85857 इज इक्वल टू ये हो गया 15,512, फिर नेक्स्ट 16,000 इनटू 0.794794 इज इक्वल टू 12,704, नेक्स्ट 16,700 इनटू 0.735 इज इक्वल टू 12,275 एंड 19,500 इनटू 0.681 इज इक्वल टू 13,207,280, राइट। इन सबको ऐड करोगे तो मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFDs, ठीक है। तो ये सबको ऐड कर लेते हैं एक बार, प्लस 12,275 प्लस 12,704 प्लस 15,512 प्लस 15,464 and is equal to 69,235, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFD। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है इसमें, इसमें तीन चीज़ फाइंड करना है, एक तो ARR, सेकंड फाइंड करना है NPV, थर्ड फाइंड करना PI। हम ARR लास्ट में करेंगे, पहले देख लेते क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो बी पार्ट NPV क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो
इसमें बोले थे तीन चीज़ देखा जाता है, एक तो वर्किंग कैपिटल का भी इनफ्लो देखोगे, सेकंड स्क्रैप का भी देखोगे, और सीएफटी का तो है। तो प्रेजेंट वैल्यू सीएफटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएफटी कैश फ्लोज 69235 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप कब रियलाइज हो रहा है एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, और स्क्रैप कितना रियलाइज होता है 5000, इसमें कौन सा ईयर का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर फैक्टर कितना है 0.681, ठीक है, स्क्रैप मिलेगा लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.681 इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना 5000 इज इक्वल टू 3403405 एंड ऐड करोगे एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। वर्किंग कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट था, वर्किंग कैपिटल था 10000 इनिशियली, और ये जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा वो भी रिफंड हो जाएगा 0.681, तो 6810 इन सबको ऐड करोगे ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, तो प्लस 6810 प्लस 69 69 23 235 इज इक्वल टू ये हो गया टोटल 79450, ओके, और इससे लेस करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बताए थे, एक तो इनिशियल मशीन कॉस्ट कितना था 50000, इसके साथ जोड़ लेते वर्किंग कैपिटल भी इनिशियली लगा था उसमें 10000, तो 60000, फर्दर कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं, वर्किंग कैपिटल भी तो इनिशियली लगा था, तो हो गया आपका 60000। इनिशियल में कोई फैक्टर्स नहीं लगेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में फर्दर इन्वेस्टमेंट होता तो फैक्टर्स देखते, तो आउटफ्लो माइनस करो तो पॉजिटिव आ रहा है कितना 19450, ये हो गया NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली दे कैन इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट को। नो PI भी कर लेते, PI होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है ना, इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, इससे हो जाएगा आपका PI, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इससे आएगा आपका NPV, राइट। तो इनफ्लो कितना था 79450 डिवाइड बाय आउटफ्लो कितना, आउटफ्लो है आपका 60000, तो डिवाइड करने से 60000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.324 PI आ गया, PI भी ग्रेटर देन 1 तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, दोनों क्राइटेरिया बता रहा है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्या था ARR, सी ए पार्ट में आ जाते ARR का फॉर्मूला क्या, ARR इक्वल टू एवरेज PAT बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन 200, ये होता ना यार हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में सीखे थे, तो एवरेज पैट, तो पैट को जोड़ना पड़ेगा, ये जो पैट था 5 ईयर्स का, इन पांचों पैट को जोड़ोगे डिवाइड बाय 5 करोगे तो आ जाएगा आपका, क्या मिलेगा आपको ना, आपको मिल जाएगा एवरेज पैट और एवरेज इन्वेस्टमेंट, दोनों ही फाइंड करना है, तो देखते हैं पहले एवरेज पैट, एवरेज पैट इक्वल टू, तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट था कितना 7100 प्लस 9100 प्लस एक बार जोड़ लेते 9100 प्लस 7000 प्लस 7700 अगेन प्लस 10500, ये 5 साल का था, डिवाइड बाय 5 तो इन सबको जोड़ लेते 7700 प्लस 9100 प्लस अगेन 7 प्लस 7 14700 प्लस लास्ट में है 10,500 इज इक्वल टू 42,000 डिवाइड बाई फाइव इक्वल टू 8,000, दिस इज 8,400, तो एवरेज पैट कितना हो गया 8,400,
ना एवरेज इन्वेस्टमेंट, याद है फॉर्मूला क्या दिए थे, ना इनिशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाय टू और साथ में ऐड कर लोगे वर्किंग कैपिटल। इनिशियल प्लस स्क्रैप बाय टू प्लस वर्किंग कैपिटल। इनिशियल मशीन का कॉस्ट कितना था 50, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया था 5000 डिवाइड बाय टू प्लस वर्किंग कैपिटल लगा कितना 10000, 55 को 2 से डिवाइड करो 27500 और प्लस 10 तो 37500 राइट। देयरफॉर एआरआर इक्वल टू 8400 बाय 37500 इनटू 100 ओके 8400 डिवाइड बाय 37500 इनटू 100 इज इक्वल टू 22.4% राइट। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2016 ऑनर्स का क्वेश्चन। इसमें तीन मेथड से पूछा गया था एआरआर एनपीवी एनपीआई, मैंने लास्ट में एआरआर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 2016 ऑनर्स, ये आप लोग करोगे। इसमें सिर्फ एनपीवी पूछा गया, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग क्वेश्चन 9 किए। आगे कंटिन्यू देखते क्वेश्चन नंबर 11 भी इसमें भी आपसे पूछा गया, फाइंड करो एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है सॉरी एनपीवी पूछा या क्या देखते, यू आर रिक्वायर्ड टू अच्छा रियलाइज स्क्रैप वैल्यू एट द इक्विपमेंट इतना आफ्टर 6 ईयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% जस्टिफाई वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट बाय एनपीवी। यस तो ये भी आप लोग करोगे, तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 11 आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 12 इसमें भी एनपीवी आईआरआर ये हम लोग अभी नहीं किए तो इसमें करना होगा, करेंगे। और पीआई इसमें तीन मेथड से पूछा जा रहा है, एक एनपीवी आईआरआर और पीआई और दो प्रोजेक्ट का है एक्स एंड वाई। ठीक है ना, हम प्रोजेक्ट एक्स का करके देंगे और आप लोग प्रोजेक्ट वाई का करोगे, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ऑल द फिगर इन लैक्स है। क्या क्वेश्चन से, ए कंपनी इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई एंड फॉलोइंग डिटेल्स आर मेड अवेलेबल टू यू। प्रोजेक्ट एक्स प्रोजेक्ट वाई कॉस्ट दोनों में सेम है, लेकिन कॉस्ट कैश इनफ्लो सी एफ डीज आपको दे दिया डायरेक्ट, ये 500, 1500, 2500, 250 एंड 3000, इसमें अपवर्ड ट्रेंड इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड, पहले ज़्यादा फिर कम होती है। और अज्यूमिंग नो स्क्रैप वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% फाइंड एनपीवी आईआरआर एंड पीआई। ठीक है ये 17 ऑनर्स का क्वेश्चन। यस तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और हम सिर्फ कर रहे हैं फॉर एक्स प्रोजेक्ट एक्स हम ऐड कर रहे हैं। तो सी एफ ए टी गिवन टेबल शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी एफ ए टीज राइट ईयर ऑन द फिगर इन लैक्स। ईयर कितना 5 साल 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स ठीक है। और आपको सी एफ ए टी डायरेक्ट दे दिया है, सी एफ ए टी फर्स्ट ईयर में है 500, सेकेंड ईयर में 1000, थर्ड ईयर में 1500, फोर्थ ईयर 2250 और फिफ्थ ईयर कितना 3000। फैक्टर्स इसमें नहीं दिया, 10% का फैक्टर फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट 10% ये फाइंड करना होगा। और सी एफ ए टी में प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी एफ ए टी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी एफ ए टी। ठीक है आगे और टेबल का जरूरत नहीं है, इतना सही हो जाएगा। फैक्टर्स 10% का करते कैसे करोगे, 1/1 प्लस आई टू द पावर एन, तो 1/1 प्लस 10/0.1 अब इक्वल करते जाओगे 5 बार, इक्वल फर्स्ट ईयर फैक्टर 0.909 3 डेसिमल फिर ले रहे हो, सेकेंड ईयर फैक्टर 0.826, थर्ड ईयर फैक्टर 0.751 फिर इक्वल कर दो, फोर्थ ईयर फैक्टर 0.683 एंड फिर इक्वल कर दोगे तो लास्ट ईयर फैक्टर 0.621 राइट। अब इसमें सबको इंटू करना है, तो फर्स्ट ईयर में था 500 इंटू 0.909 इज इक्वल टू इसमें हो गया 4545, हम फ्रैक्शन भी लग रहा है क्योंकि लक्स में है फिगर। फिर 1000 इंटू करोगे तो 826
और 1500 इनटू 0.751 इट्स 1126.5 फिर 2250 इनटू 0.683 यस इक्वल टू 1536.75 और 3000 इनटू 0.621 इट्स इक्वल टू 1863 इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFATs राइट। इसमें कंटिन्यू करते जाएंगे प्लस ऐड कर लेते 1536.75 प्लस 1126.5 प्लस 826 प्लस 454.5 इज इक्वल टू टोटल हो रहे 5806.75 ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFATs। इसमें और क्या ऐड किया जाता है इनफ्लो के लिए, अगर स्क्रैप है स्क्रैप का ऐड करोगे और वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल को भी ऐड करोगे। क्या इसमें स्क्रैप है? नो। वर्किंग कैपिटल? नथिंग। तो यही तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया ना। और इससे लेस कर देते प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें था कितना 3500 ओनली, तो ये माइनस कर देते फर्दर को तो कुछ है नहीं, तो NPV आ गया आपका तो 2306.75 राइट आपको मिला NPV। PIP फाइंड कर लेते तो एक NPV आ गया, एक पार्ट का आंसर बी PI इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, तो इनफ्लो 5806.75 डिवाइड बाय 3500 इज इक्वल टू इट कम्स टू 1.1659 ठीक है। तो दो आंसर हो गया। अब IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अब इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत लेंदी होते जाएगा, फिर भी देखते कैसे करोगे क्या किया जाए। तो IRR के लिए क्या करना होगा ना आपको, देखो मैंने बोले थे कोई भी रेट एजम्पशन ले लेना उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, और इनफ्लो आउटफ्लो से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना, मतलब आपको रेट को बढ़ाना पड़ेगा जब तक ये लेस नहीं हो रहे, 3500 से कम नहीं हो रहे, रेट को बढ़ाते जाओगे बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है तो रेट हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके करेंगे, और फिर अगर ये नेगेटिव आ जाता तो रेट को घटाते जाएंगे जब तक पॉजिटिव नहीं आ रहे। इसमें पॉजिटिव है जब NPV पॉजिटिव है ना, मतलब ग्रेटर है, जब तक लेस नहीं हो रहे तब तक हम रेट इंक्रीज करते जाएंगे, तो इसीलिए इस पार्ट के लिए अलग से टेबल करेंगे। और इसी तरह Y का भी करना होगा, तो ये लेंथी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फिर आप लोग बहुत क्वेश्चन कर लोगे और एक दो क्वेश्चन जोड़ के हो ही जाएगा आप लोगों का सा। तो अब फिर आ जाते कंटिन्यू ईयर। अब मैंने बहुत सारे रेट लेंगे तो बहुत सारे कॉलम्स आएगा, 1 2 3 4 5 पहले लिख लेते एक CFAT फर्स्ट कॉलम में लिखते 500 था, फिर 1000 था, फिर 1500 है, फिर आपका 2250 और 3000। और जब बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव आया तो रेट को हम बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज करते, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट लेते हैं 20%, और फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर PVN एट 4% 4% का डिफरेंट लगते, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 28% ठीक है। जितना इसमें ज़्यादा डिफरेंस ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा ना, अप्रोक्स आंसर लिखोगे, जितना कम होगा डिफरेंस लेके करोगे उतना अच्छा है, 2-2% लेके करोगे, लेकिन कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं है, पहले ये 3 करते, इसमें नहीं होगा तो फिर ट्राई करना पड़ेगा, इसलिए बहुत लेंदी हो जाता है। तो फिर 3 के लिए 3 प्रेजेंट वैल्यू ये आपका 20% का, ये आपका 24% का, और ये आपका 28% का। अब फैक्टर फाइंड करते हैं,
पहले 20%, तो 1/1.2 इक्वल टू फर्स्ट ईयर में आया है 0.833, फिर इक्वल करने से होता है 0.695694, फिर इक्वल करने से आएगा 0.579, फिर इक्वल करने से आ रहा है 0.482, लास्ट के आ जाएगा 0.402। ठीक है, आपका 20% का, इसी तरह 24% का कर लेते हैं, 1/1.2424 इक्वल टू फर्स्ट ईयर में आएगा 0.806, सेकेंड ईयर आएगा 0.650, थर्ड ईयर आएगा 0.524, फोर्थ ईयर आएगा 0.423 और नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 0.341। इसी तरह 28% भी लेते तो 1/1.28 इक्वल टू फर्स्ट ईयर आ जाएगा 0.781, फिर सेकेंड ईयर आ जाएगा 0.610, थर्ड ईयर आएगा 0.477, फोर्थ ईयर आ जाएगा 0.373 और लास्ट ईयर आ जाएगा 0.291। राइट, अब इसमें तीनों के ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो ना मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इनटू 0.833 इट्स 416.5, फिर 0.806 इक्वल टू 403, फिर 0.781 इक्वल टू 390.5। सेकेंड में भी 1000 से इंटू करोगे तो ये तो इजी हो जाएगा 694, इसमें 650 और इसमें 610। नेक्स्ट थर्ड ईयर 1500 इंटू 0.579 इक्वल टू ये हो रहा है आपका 868.5, फिर 0.524 इक्वल टू ये होता है 786, फिर 0.477 इक्वल टू होता है 715.5। नेक्स्ट ईयर 2250 इंटू फर्स्ट ईयर में 0.482 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1084.5, फिर 0.4423 इक्वल टू ये हो जाएगा 951.75, फिर कितना आ रहा है यस 0.373 इक्वल टू हो जाएगा 8839.25। नाउ लास्ट ईयर 3000 इंटू 0.402 इज इक्वल टू 1206, फिर 0.341 इक्वल टू 1023, और 0.291 इक्वल टू 873। ओके, अब इन सबको हम लोग सॉरी ये सबको ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको कर लेते 416.5 प्लस 694 प्लस 868.5 प्लस 1084.5 प्लस 1206 इक्वल टू 4269.5। ठीक है, 4269.5 अभी भी 3500 से बहुत ज़्यादा है, हम थर्ड लास्ट में आ जाते एक बार, लंदी हो जाएगा।